भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी, ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाए उनको रोकने के लिए। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है, इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें बहुत खुशी है। आपके समेत केजरीवाल जी सब लोग पूरा शीर्ष नेतृत्व बाहर है, तो आप क्या एक नया जोश, नया उत्साह, पार्टी सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था उनको उठा के जेल में डाला, इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। इसको लेकर के पूरे दिल्ली के लोगों में एक उत्साह है और पूरे देश में एक मैसेज गया है कि तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो उसको एक न एक दिन हारना पड़ता है। लेकिन आज उत्साह का दिन है और सभी लोग उत्साहित हैं और शाम को सभी लोग जेल जाएंगे, सभी हमारे पार्टी लीडर, सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए, काउंसलर और पार्टी कार्यकर्ता सभी जेल जाएंगे और मुख्यमंत्री जी को वहां से लेकर के हम उनके आवास तक पहुंचेंगे और सभी लोगों में उत्साहित है और पूरी दिल्ली इसको लेकर के अभी जो खबर फैल रही है लोगों के बधाइयों का सिलसिला तेज हो गया है।